भाई बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीना मिटे ना भ्रम की काहे। अपने आप नू पहचानन तो बिना पड़चोलन तो बिना अपने आप नू चीनन तो बिना तेरे अंदर जड़ी भरम दी काई है वो दूर नहीं हो सकती। सिर्फ एक अर्ज है गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे बोलना विच्चों दो श्लोक, एक ता ज्ञानवान पुरुष दी परिभाषा, दूजी मौत दे भय दी, मौत दे डर दी निवृत्ति, ते तीसरा के परमात्मा ओ कुछ कर देंदा है जो कुछ इंसान कई बारी अपने शरीरक पद्धर ते सोच भी नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा वाहगुरु कोल इन्नी समर्था है वो बलहीन बंदिया नूं भी बल दे के अडोलता दी दात बख्श देंदे। सिर्फ असी चार के बचन इस शब्द दे अर्था नाल ही विचारने, एक ता बचन असी ये पढ़ने हां रात कल हजूर दे दरबार विच शीशगंज भी अर्ज कीती के बल छुटकियो बंधन परे, उथे अर्ज कीती सी इस बल दे बहु अर्थ ने, बल किसे पक्ष तो भी होवे शरीरक तल ते बंदा कमजोर हो जाए उहदे कोल बल नहीं, आर्थिक पक्षो बंदा कमजोर हो जाए उहदे कोल धन दा बल नहीं, आदमी अपने मानसिक पद्धर तो कमजोर हो जाए ते विषय वासनावां दा मुकाबला करन जोगा न रहे उस कोल आत्मक जां मानसिक बल नहीं। हजूर कहिंदे ने जदों इंसान दा हर पक्ष तो बल शक्ति ताकत खत्म हो जाए खीण हो जाए उस वक्त जे परिपूर्ण परमात्मा दे चरणा विच अपने आप नूं समर्पित करके अरदास करे तन ओइए समाज ओइए परिवार ओइए परमात्मा इन्ना तरस करदे ने ओ बलहीना नूं शक्ति दे दिंदे ने ते ओ शक्ति बख्शदे ने जिन्हों संसार देख के कई बारी हैरानी भी चला जाता है। सिर्फ बाणी विच कुछ बचन लेने ने, हजूर ने फरमाया बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना होत उपाए कहो नानक अब ओट हार गज ज्यों हो सहाय। जिमें खाती दी मदद कीती कल उथे सुबह अर्ज कीती सी के अंदर दे वकारां लई जे बल ना रहे ते परमात्मा ओ भी बल दिंदे। अज मैं एक पख होर बाणी च अर्ज करना, महाराज जी का अगला बचन है बल होवा बंधन छुटे सब किच होत उपाए, ताकत आ जांदी है बंधन टुट जांदे ने। असी कहिए भी कोई उपाय नहीं रहा, कोई यतन नहीं रहा, कोई खीला अनकारगर नहीं, हजूर किन्ने खार उपाय हो सकता है बलहीन बंदियां को ताकत आ सकती है, किवें कहन लगे मालिक तेरे हाथ विच सब कुछ है, तुसी चाहो ता कीड़ी नू बादशाह बना दियो, तेरी ताकत है तू चाहे ता बादशाह नू भिखारी बना दे। सिर्फ थोड़े जे प्रमाण ने के बल खोवा बंधन छुटे हर किस्म दा बंधन। महाराज कहिंदे ने के परमात्मा अपनी जदो शक्ति वरतांदा है हर उपा हो जांदा है, बल छुट जाए बल मिल भी जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच्चों तीन क प्रमाण ने सिर्फ संखेप जी, सिर्फ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द विच रह के गुरु नानक साहिब जी दा वो बचन है, कई बारी जदों किसे उपर परमात्मा अपनी शक्ति अपनी रहमत अपना बल बख्श दे ते लोग सोचन लग पैंदे ने कि कल तक तां इस बंदे कोल इन्नी समर्था नहीं सी, अज इहदे कोल इन्नी ताकत किवें हो गई, कल तक तां इस दे विचार इहो जिहे नहीं सन, अज दे विचार इन्ने उत्तम किवें हो गए, कल तक तां इह बंदा मानसिक पद्धर ते विषय वकारां विच डुब्बिया सी, अज इही बंदा परमार्थ दी आत्मक जीवन दी गल करदा किवें हो गया। धन गुरु नानक साहिब ने कहा आ मैं दसां कि परमात्मा दे खत विच जो शक्ति है ताकत है बल है उस समर्थ कोल ओनी ताकत इन्नी शक्ति जेड़ी बंदे दी बुद्धि नूं चक्रित कर जांदी है। हजूर दा मांझ की वार विच शलोक है, ओ है शीयां बाजां चरगां कुईयां, ए परमात्मा दा बल है, बल को वा बंधन छुटे सब किच खोत उपाए, नानक सब किच तुम रहे
हाथ में सब किच तुमरा हाथ में ओदे हाथ विच की कुछ नहीं। जेड़े जीव मांस खाण वाले ने उन्हां दा सुभाय जमांदरू उन्हां नू परमात्मा ने खुराक के बनाई है। तन गुरु नानक साहब कहिंदे ने इंसान कहेगा बाज चरग कोई शेर ये केवल मांस खांदे ने, कहिंदे तेरे हाथ विच इन्नी शक्ति है इन्हां मांस खाण वालियां दी बिरती तब्दील करके तुसीं इन्हां नू घा खाण ते मजबूर कर सकदे हो। ताकत है जेड़े जीव जानवर घा खांदे पए ने तेरी शक्ति है उन्हां दी सुभा दे विपरीत उन्हां नू तू मांस खाण ते मजबूर कर सकना है। जिस थां ते केवल पानी दीआं लहरां पानी दे भंवर ने तुसीं चाहो तां उस समुंदर विचों पहाड़ पैदा कर दिओ। ते मालक जिथे मारूथल तपदे पए ने तेरे विच इन्नी शक्ति है तू मारूथल दे विच पानी दीआं झीलां पैदा कर देना है। सब किछ हो तो उपाय शीआं बाजां चरगां कुईआं इन्हां खवाले का खान तिना मास खवाले ए चलाए रा नदियां विच टिब्बे दिखाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पात शाही लश्कर करे स्वा। हुण कीड़ा बल खीण है उस कोल शक्ति नहीं पर परमात्मा दे हाथ विच ओ समर्थ आ। कीड़ा थाप दे पात शाही लश्कर करे स्वा जेते जी जीव लै सा। जिन्ने जीव ने ओ स्वासां दे सहारे चलदे ने जिवाले तां के असा। जे तू अपनी शक्ति नाल बंदे दे वजूद नू कायम रखना चाहे ते मालक तू स्वासां तो बिना भी बचा सकना है तेरे हाथ च है। दूसरा एक बचन है गुरु ग्रंथ साहिब च भगत कबीर साहिब जी दा सिर मैं बाणी विच तीन बचन के ओदे हाथ विच किन्नी ताकत है। महाराज कहिंदे ने जिस घर विच हासे ने इंसान सोचता है ये खेड़े ये खुशियां मेरे घर विचों कदी कोई खो नहीं सकता। रात हसदियां सुते ने सवेरे हसदियां घरों गए ने परमात्मा दे घर विच ओदे खात विच इन्नी शक्ति है वह हासियां दी थां वैण पैदा कर सकदा है वैणा दी थां हासे पैदा कर सकदा है। जिथे उजाड़ ने उथे वसों बना सकदा है जिथे वसों में उथे उजाड़े पै सकदे ने जिथे पानी है उथे पहाड़ पैदा कर सकदा है जिथे पहाड़ ने उथे पानी पैदा कर सकदा है वह बादशाह नू भिखारी बना सकदा है ते भिख्या मंगण वाले एक मंगते नू बादशाह बना सकदा है। तेरे हाथ च है गुरु जी दे बचन ने राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की खोचेरी। हस्तो जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हसें बस तो खोए खोए सो उजर उजर खोए सो बसें जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेर करावे धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गरावे। सब किछ ओदे हथ च है चढ़े आकाश गरावे पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी खल मूर्ख ते पंडित करब पंडित ते मुगदारी। ओ मूर्ख नू विद्वान पंडित बना देंदे ने ओदे खत चे पंडित तो गुनाह करके गुनाह करा उन्हूं मूर्खां दी कतार विच खड़िया कर सकदे। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी अमृत बाणी रचना विच एक जगह ए भी बख्शिश कीती कहन लगे उस दी इन्नी समर्था है कि छिनमै राओ रंक को करी सब किस तुमरे खात विच है। छिनमै राओ रंक को करी राओ रंक कर डारे रीते भरे भरे सखनावे ये ताको व्यवहार है। एक खिन विच कंगाल नू गरीब नू पातशाह बना देने ते पातशाह नू भिखारी बना देने जेडे अंदरों बिल्कुल खाली ने उन्हां नू भर सकने ते मालका जेडे भरन दे दावा करदे ने उन्हां बंदियां दा अंदर तू खाली कर सकना। गुरु जी ने एक बचन तां सानू ए कहा भी परमात्मा दी ताकत ते ओदी शक्ति ते ओदी रहमत ते ओदे बल ते इन्ना भरोसा कर ते अपने मन विच दृढ़ विश्वास पैदा कर के परमात्मा ओ कुछ रहमत वरता दिंदा है जो कुछ इंसान शायद कदी अपने चित चेते विच भी नहीं लिआउंदा। एक तां गल ए दूसरा महाराज जी ने अपनी बाणी विच असी सारे श्लोक पढ़ने हैं पै काहू को देत नह नह पै मानत आन। अर्ज करा बाणी दे अर्थ
टीके विचों पढ़ के हो जाते हैं।